हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जब हम अल्लाह ताला के दिए हुए अहकामात से दूर हो जाते हैं तो बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाती है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक लड़की लतीफा हाशमी की कहानी। दोस्तों, 2004 में यूरोपियन मुल्क बेल्जियम के कैपिटल ब्रसल्स में एक अजीब केस चल रहा था। यहाँ अदालत में एक ऐसा केस सुना जा रहा था जो बहुत ज्यादा अजीब था। ये केस एक लड़की लतीफा हाशमी का था। लतीफा हाशमी अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी मौत हो चुकी है। अदालत में तीन आदमी और तीन औरतें कटहरे में खड़े थे। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने ही लतीफा हाशमी को मारा है। दोस्तों, इन लोगों में एक आदमी लतीफा का शौहर भी था। लतीफा हाशमी के साथ क्या हुआ था? लतीफा हाशमी का ताल्लुक मोरक्को से था। इसकी शादी मुराद नाम के एक आदमी से हुई थी, वही मुराद जो इस वक्त अदालत में मौजूद था। लतीफा की फैमिली और मुराद, ये सब लोग बेल्जियम में ही रहते थे। इनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन यहाँ एक मसला था। लतीफा और इसके शौहर की औलाद नहीं हो रही थी। देखिए, अगर औलाद नहीं हो रही तो इंसान को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन अगर कोई सूरत नहीं निकल रही तो ये अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन हम इंसान अक्सर तोहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं कि अगर औलाद नहीं हो रही तो जरूर लड़की पर किसी जिन का साया है। और यहाँ भी यही हुआ। लतीफा को खुद लगता था कि इस पर किसी जिन का साया है और तभी इसकी औलाद नहीं हो रही। इसके शौहर को भी यही लगता था। दोस्तों, इन दोनों ने फैसला किया कि लतीफा के अंदर से इस जिन को निकाला जाएगा, और इसीलिए इन्होंने एक आदमी को अपने घर बुलाया जो जिन्नात वगैरह को निकालने का दावा करता था। इसको एग्जॉर्सिज्म कहा जाता है। मैं कई वीडियोस में आपको ये बता चुका हूँ। बहरहाल, 23 साल की लतीफा हाशमी की एग्जॉर्सिज्म शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगले एक महीने तक जिन निकालने के नाम पर लतीफा शदीद टॉर्चर से गुजरी, और वो भी अपने शौहर की आंखों के सामने। लतीफा खुद भी यही चाहती थी। दोस्तों, ये सब कुछ लतीफा के अपने अपार्टमेंट में हो रहा था। जिन निकालने वाले आदमी का नाम अब्दुल करीम अजनागोई था, जैसे हमारे यहाँ आमिल वगैरह होते हैं। इसके साथ इसका एक असिस्टेंट भी मौजूद था। अब हुआ ये कि अगले एक महीने तक लतीफा को हर दिन भर भर कर पानी पिलाया जाता था, और इसको पूरा दिन सिर्फ दो चम्मच दही खाने को दी जाती थी। लतीफा के फेफड़ों में पानी भरता जा रहा था। दोस्तों, लतीफा के गले में उंगलियां डालकर जिन को बाहर निकालने की कोशिश की जाती थी। यहाँ तक कि इसको डंडों से भी मारा जाता था। इसके अलावा लतीफा को नहाने के लिए शदीद गर्म पानी दिया जाता था। ये सब कुछ वो जो आमिल आया था इसके कहने पर हो रहा था, ताकि लतीफा के अंदर से जिन निकाला जाए। जिन ने तो क्या निकलना था। लतीफा आहिस्ता आहिस्ता शदीद बीमार होना शुरू हो गई। इसकी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन इसके शौहर ने कोई स्टेप नहीं लिया। एक महीना शदीद टॉर्चर के बाद लतीफा की मौत हो गई। औलाद के चक्कर में लतीफा खुद इस दुनिया से जा चुकी थी। ये 5 अगस्त 2004 का दिन था। लतीफा का शौहर अब शदीद परेशान था। इसने इमरजेंसी नंबर पर फोन किया और इनको कहा कि इसकी बीवी बाथरूम में गिर गई है और इसको सांस नहीं आ रही। लेकिन दोस्तों, जब लतीफा की लाश को एग्जामिन किया गया तो साफ पता लग गया कि इसको शदीद टॉर्चर किया गया है। इसकी बॉडी पर जख्मों के निशान थे और इसके फेफड़ों में पानी भरा हुआ था। लतीफा के माँ बाप और इसका भाई शदीद गम में थे, गुस्से में थे और शौक थे कि लतीफा को किस अजियत से गुजरना पड़ा। 2004 में ये केस अदालत में शुरू हुआ। 6 लोग इस केस में मुलजिम थे, एक लतीफा का शौहर, एक वो आमिल और उसका असिस्टेंट, और 3 औरतें जो जिन्नात वगैरह निकालने का दावा करती थीं, यानी इनकी पूरी टीम थी। दोस्तों, ये केस कई साल तक चलता रहा और फाइनली इन लोगों को 20 से 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया। ऐसे केसेस हमें हमारे मुल्क में भी नजर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जब हम अल्लाह ताला के अहकामात से दूर हो जाते हैं तो बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।